डार्क गैलरी टूल में फोटो को एडिट करने के लिए फोटो को लाइट रूम के अंदर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन चलेंगे, यहाँ से ऑटो कर देना है। ऑटो करने के बाद यहाँ पे मिक्स वाले ऑप्शन पर आएंगे, सेकंड वाले का कलर का सैचुरेशन थोड़ा माइनस करेंगे और डिमनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। फिर येलो वाले पे आएंगे, थर्ड वाले पर इसका ह्यू पूरा माइनस कर देना है 100% और सैचुरेशन को 100% इंक्रीज कर देना है। फिर आना और ल्यूमिनस को कम कर देना है। फिर ग्रीन वाले कलर पर आना है, इसका भी हु पूरा माइनस कर देना है, सैचुरेशन ल्यूमिनस को भी थोड़ा थोड़ा माइनस कर देना है और बाकी कलर का सैचुरेशन पूरा माइनस कर देना है। टर्न करने के बाद ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पे पहले वाले साइडों को हल्का ब्लू की तरफ रखेंगे और थर्ड वाले को येल्लो की तरफ और ब्लेंडिंग को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ल्यूमिनस को थोड़ा इंक्रीज कर देना है और बैलेंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। टर्न करने के बाद यहाँ पर आना है डिटेल्स वाले ऑप्शन पर, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ से आएंगे, क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, विनेट को थोड़ा कम कर देंगे। फोटो बन चुकी है।